झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र में एक 12वीं की छात्रा का खेत में जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना परिजनों को मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। बताया गया कि लहचूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गढ़वा निवासी मृतक शिल्पी पुत्री वीरेंद्र अहिरवार का शव खेत में जला हुआ मिला है, जिसकी सूचना परिजनों को देर रात्रि में मिली, जिसके बाद पूरे गाँव में सनसनी फैल गयी। तो वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। क्यास लगाए जा रहे कि मृतक 12वीं की छात्रा थी तथा घटना प्रेम प्रसंग के चलते घटित की गई। एसएसपी राजेश एस ने बताया कि एक सुसाइड नोट मिला है। गांव के दो युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। झांसी से विनोद सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जुगल किशोर सर। जुगल किशोर, कहाँ के हैं आप? गढ़वा। क्या घटना हुई है आज सर? वो हमारी बच्ची आग लगा के चल गई सर। अच्छा, ये घटना की वजह क्या है? घटना की वजह नहीं बता सकते सर। कितने बजे की घटना है? ये घटना है वो 2 बजे के बाद है। अच्छा, 2 बजे से लापता है लड़की। कितने बजे सूचना मिली? सूचना सुबह शाम के 6 बजे मिली। अच्छा, किसके खेत पे मिली वो? वो ईश्वर दादा और जगत बापा के खेत में बराई में डली थी सर। अच्छा, तो ये बताइए ये आग कैसे लगाई उसने? सर ये नहीं बता सकते कैसे लगा सर। तेल से लगाई? कैसे लगाई? तेल, तेल सर। कौन सा तेल था ये? बिजली वाला तेल था सर। अच्छा, मतलब क्या लड़की काफी दिन से परेशान थी क्या? नहीं तो बिल्कुल सर, कोई ना बाल बच्चे बिल्कुल हमारे गलत ही नहीं थे सर। कितने में पढ़ती थी लड़की? 12 में पढ़ती थी सर। अच्छा, पुलिस ने किसी को गिरफ्तार भी किया है? सर जी किया तो है सर। किसको किया है? एक ढीमर भी लड़का को किया है सर। क्या क्या है उससे, क्या मामला था लड़की का? सर ये नहीं बता सकते सर, अभी ये पता नहीं है। झांसी जनपद में लेचुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गढ़वा गांव पड़ता है। इस गांव में रात्रि लगभग 8 से 9, 8:30 बजे के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें 17 साल लगभग की एक लड़की का डेड बॉडी का सूचना था। वो सूचना के अनुसार पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरा घटना का छानबीन की गई है। मैं स्वयं घटनास्थल निरीक्षण कर लिया हूँ और फोरेंसिक टीम द्वारा भी पूरा जांच की गई है। घटनास्थल पे एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है। परिवार द्वारा जो कुछ तथ्य बताया गया उसको बेसिस पे दो लड़के को हम लोग हिरासत में लेकर पूछताछ अभी कर रहे हैं। अभी फिलहाल डेड बॉडी को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। फैक्ट्स बेसिस पे अन्य कार्रवाई की जाएगी।